बैठी है और गीता जी का भी पाठ करेंगे भाई साहब। किस टाइम पूजा करते हैं आप? पूजा हम संध्या के टाइम करते हैं। अली साहब जल अभिषेक करेंगे, नहाएंगे इसको, नहलाएंगे शिवलिंग को। ये डमरू त्रिशूल ये किसका होता है? ये भी भोलेनाथ का होता है। बहुत अच्छा मंदिर बनाया हुआ है, ये भोलेनाथ का मंदिर है फ्रेंड्स। ये इनके चूल्हे और इस टाइम चूल्हे में शायद चाय बन रही है और ये इनका चूल्हा रोटी वाला है। हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका भाई फिर से एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हो गए। तो फ्रेंड्स, आज का हम ब्लॉग लेके आए हैं, एक यहाँ पर हमारा हिंदू मंदिर बना हुआ है, छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे एक पुजारी भाई हैं और वो पूजा कैसे करते हैं और किस भगवान की पूजा करते हैं सब कुछ आपको टाइम में मिलेंगे, बने रहिए। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हिंदू भाई के घर पे और यहाँ पर अभी रात का टाइम हो गया है और यहाँ पर भाई साहब ये दिया जला रहे हैं और आपको मंदिर का भी विजिट कराते हैं और भाई से आपको बात करवाते हैं। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? ठीक ठाक, आप सुनाओ? ठीक है, मज़े फिटफाट। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप अभी इधर? हम अभी सेवा कर रहे हैं। पुजारी किसके हैं आप? हम भोलेनाथ के पुजारी हैं। भोलेनाथ के पुजारी हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं अभी ये भाई साहब यहाँ पर दिया जला रहे हैं। किस टाइम पूजा करते हैं आप? पूजा हम संध्या के टाइम करते हैं, आज वैसे देर हो गई है। अच्छा अच्छा, काम करते हैं ना फैक्ट्री में, कभी कभी देर हो जाती है। ठीक हो गया, लेकिन पूजा आप हर रोज़ करते हैं? हर रोज। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हिंदू भाई हैं और काम पे भी जाते हैं और शाम को 7 बजे पूजा भी करते हैं और सुबह भी पूजा करते हैं आप? जी हाँ, सुबह भी करते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये भाई साहब अभी दिया जलाया इन्होंने और नाम क्या है आपका? हमारा नाम लांगू जी है। लांगू जी है। तो फ्रेंड्स, ये लांगू जी है और आपको मंदिर का विजिट करवाते हैं हम और देखते हैं ये पूजा कैसे करते हैं। ये क्या है? ये हमारा धूना है। धूना तो जिसको धूप बोलते हैं ना? धूप नहीं, ये धूना हर रोज लगाना पड़ता है। हर रोज लगाना पड़ता है। और ये बताएं, ये क्या है? ये डमरू? ये डमरू त्रिशूल। ये किसका होता है? ये भी भोलेनाथ का होता है। भोलेनाथ का होता है। ठीक हो गया। ये क्या कर रहे हैं आप? ये अभी फैक्ट्री से फूल लेके आया हूँ। अच्छा, ये अभी इसको फूल अर्पण करेंगे। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको हम मंदिर का विजिट करवाते हैं और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा मंदिर बनाया हुआ है। ये भोलेनाथ का मंदिर है फ्रेंड्स। और ये फ़ोटो किसकी लगी हुई है मुझे बताएं? ये सब भोलेनाथ की तस्वीरें हैं। सब भोलेनाथ की तस्वीरें हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक छोटा सा मंदिर है, ये भाई साहब है हमारे हिंदू भाई हैं, ये हर रोज़ पूजा करते हैं, भोलेनाथ के पुजारी हैं। और ये फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं पूजा कर रहे हैं, आपको पूजा करते हुए दिखाते हैं भाई। और शंख वगैरह भी बजाते हैं मैंने सुना। हाँ, वो भी दिखाएंगे शंख भी। ये मूर्ति वगैरह कहाँ से लेके आए हैं आप? ये हिंगलाज माता से लेके आए। हिंगलाज माता से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारे हिंदू भाई हैं और ये अभी देखिए पूजा कर रहे हैं। आपको हिंदू भाई की पूजा करते हुए दिखा रहे हैं। और ये पानी का क्या करेंगे? ये पानी से अभी जल अभिषेक करेंगे, नहाएंगे इसको, नहलाएंगे शिवलिंग को। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये शिवलिंग को नहला रहे हैं। ये पानी कौन सा है? ये पानी सादा है इधर से। अच्छा, सादा ही होता है इधर का। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप धुआं देख सकते हैं और ये धुएं से ना इनको हर टाइम ये धुआं जलता रहता है। दिन को भी जलाते हैं? नहीं, ये शाम को हर रोज जलाना पड़ता है। हर रोज रबा शाम को जलाते हैं शाम। तो फ्रेंड्स, ये डमरू है, ये डमरू भी बचा के दिखाएंगे आपको और शंख भी बजा के दिखाएंगे। एक छोटा सा मंदिर है आप देख सकते हैं, ये हमारे हिंदू भाई हैं और बेचारे सुबह जाते हैं दिहाड़ी पर जाते हैं और शाम को आके इन्होंने पूजा करनी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं शिवलिंग पर ये फूल चढ़ा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है भाई ने। भाई से पूछेंगे ये मंदिर पर कितने पैसे लगे हैं और छोटा सा मंदिर क्यों बनाया आपने। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा हिंदू भाई है जो हर काम छोड़ के ये पूजा करते हैं। ये भी अगरबत्ती करेंगे, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, रात का व्यू आपको दिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अगरबत्ती कर रहे हैं।
जोर बोल। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बम बम भोले। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ये क्या चीज है आपके हाथ में? ये शंख है। शंख। शंख। इसको ये बजाते हैं जो मंदिरों में? मंदिरों में बजाते हैं। अच्छा, ये हमने मोबाइल पे पढ़ा था, नेट में देखा वीडियो, वो बोलता है भाई भोलेनाथ की पूजा में ये नहीं बजाते हैं। ठीक हो गया। इसलिए हमारे घर में छोटी सी और अलमारी है, वहाँ पे गीता जी है, वो जो गीता जी पढ़ते हैं तब इसको बजाते हैं हम। ठीक है, अभी आप गीता भी पढ़ेंगे? गीता भी पढ़ेंगे। शंख बताएं मुझे बजा के, ऑडियंस आपको देखना चाहती है शंख कैसे बजाते हैं हमारे ये भोलेनाथ के पुजारी हमारे फतेहपुर पंजाबिया में। एक छोटे से घर है और ये देखें फ्रेंड, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये आम आदमी का काम नहीं है ये भाई साहब। आपको कितना टाइम लग गया था आपको इसे सीखने में? ये मुझे 5-6 दिन लग गए थे। ठीक हो गया। मुझे इसकी लगन थी ना। अच्छा अच्छा, तो कहाँ से लेके आए आप ये? भी हिंगलाज माता से। हिंगलाज माता से लेके आए। बताएं। जय भोलेनाथ की। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये भाई साहब ने शंख बजाया कैसे बजाया। अभी ये गीता माता पढ़ेंगे क्या? ये डमरू है। अच्छा, डमरू बजा के दिखाते हैं। ठीक है, वैसे हम कभी बजाते नहीं है इसको। अच्छा, ये रखा हुआ है, ये महादेव का डमरू। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये डमरू है, ये महादेव का डमरू होता है और महादेव के हाथ में ये डमरू होता है बस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये गीता माँ है, और अभी ये क्या नाम लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता है ना? जी हाँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये श्रीमद् भगवद गीता है, और ये भाई साहब पढ़ते हैं, हर रोज़ पढ़ते हैं आप? ये अभी श्राद्ध शुरू हुआ है, अभी हर रोज पढ़ेंगे शाम सुबह। ठीक हो गया। श्राद्ध में फ्रेंड्स हमारे गीता का जो पाठ वगैरह होता है तो ये भाई साहब पढ़ते हैं। अभी आपको गीता का पाठ करके थोड़ा सा सुनाएंगे भाई साहब। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी गीता माँ होती है और गीता जी का भी पाठ करेंगे भाई साहब। कितने अध्याय पढ़ लिया आपने? हमने 9वां अध्याय पढ़ लिया। अच्छा, अभी 10वां अध्याय पढ़ें। 10वां अध्याय पढ़ेंगे फ्रेंड्स। 10वां अध्याय, अभूति योग। हे महाबाहु, मेरी और अच्छी अच्छी बातें सुन, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ। मेरे जन्म को देवता ऋषि कोई भी नहीं जानते, क्योंकि मैं मुकम्मल देवता और ऋषियों का पैदा करने वाला हूँ। वो सब मुझसे पैदा हुए हैं, जो मुझे अज अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं, वो लोग अकलमंद हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारे गरीब भाइयों के घर हैं, और घर के हालात देखें, और ये बेचारे जाते हैं दिहाड़ी पर और पूछते हैं दिहाड़ी कितना कमाते हैं, और ये इनके चूल्हे, और इस टाइम चूल्हे में शायद चाय बन रही है, और ये इनका चूल्हा रोटी वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी ये रोटी बनाएंगे, अभी रात का बहुत टाइम हो गया है इसलिए आपको साफ नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए फ्रेंड्स। अच्छा भाई आप बताएं दिहाड़ी कितनी है आपकी? दिहाड़ी जी हम सीड का काम करते हैं, गंदम का। अच्छा, सारा दिन बोरिया उठाते हैं। ठीक है, 500-600 तरीक बन जाती है। 500-600 में गुजारा हो जाता है आपका? 500-600 में गुजारा नहीं होता है, फिर करना पड़ता है ना। वही ना, घर बैठ के तो घर बैठ के गुजारा भी नहीं होता। चलो 500-600 आ रहा है ना। 500-600 आ रहा है ना। ठीक हो गया। महंगाई के बारे में कुछ बताएंगे आप? महंगाई तो बहुत है, महंगाई क्या बता सकते हैं, जितना आप कमा रहे हैं उतना एक घी की थैली आ रही है शहबाज। वो तो सब अरूज पर है, सामान में पूरा होता है। अच्छा आप बताएं कि ये पूजा आप हर रोज करते हैं, काम काज छोड़ के पूजा करते हैं? पूजा हर रोज करते हैं।
ठीक हो। उसके बाद उधर फैक्ट्री से आके सीधा इधर नहा के इधर पूजा करते हैं और कोई काम नहीं है। ठीक हो गए, ठीक हो गए। तो फ्रेंड्स ये हमारे हिंदू भाई हैं, ये लांगू जी, और इन्होंने छोटा सा मंदिर अपने घर पे बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं। अभी रात का टाइम हो गया है, अब आपको नज़र नहीं आएगा साफ। तो फ्रेंड्स ये हमारे भोलेनाथ के भगत हैं, और जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के बारे में? महादेव जरूर आपका चैनल वायरल करेगा, ठीक है, वीडियो भी वायरल होगी, ठीक है, आपका चैनल बहुत ऊपर जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये महादेव के भगत है, और इसने हमें आशीर्वाद दे दिया है कि ये चैनल ऊपर जाएगा, तो जरूर महादेव हमारे चैनल को ऊपर लेके जाएंगे। जय श्री राम भैया, जय श्री बाय।